अगर रहना है आपको स्वस्थ बिल्कुल, तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिसिन गुरुकुल। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम विटामिन सी टैबलेट यानी लिम्फी टैबलेट के बारे में बात करेंगे। जानेंगे विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में किस किस तरह की प्रॉब्लम होती हैं और विटामिन सी के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसको किस उम्र के लोग कितनी डोज में ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। यह जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, यह विटामिन सी टैबलेट यानी लिम्फी टैबलेट है। यह 500 mg की टैबलेट आती है। यह एक च्यूएबल टैबलेट है, यानी इसको आप चबाकर खा सकते हैं। यह एबॉट कंपनी की टैबलेट होती है। इस टैबलेट की MRP 23 रुपये होती है, जिसमें आपको 15 गोली की एक पूरी स्ट्रिप मिल जाती है। काफ़ी सस्ती यह टैबलेट है, आपको हर मेडिकल पर यह आसानी से मिल जाएगी। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है और इसको खाने से हमको किस तरह के फ़ायदे मिलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारे शरीर के नाखूनों का टूटना, बालों का झड़ना विटामिन सी की कमी से ही होता है। स्किन सूखी व खुशक हो जाती है, यह विटामिन सी की कमी से ही होता है। विटामिन सी बढ़ती उम्र के लक्षणों को काफ़ी हद तक रोकता है। हमारी बॉडी में जब चोट लग जाती है, जिससे हमारे शरीर में घाव हो जाता है, उसको भरने के लिए काफ़ी समय लगता है। यह हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी को दर्शाता है। जोड़ों में दर्द बना रहता है, मफूड़ों में खून आना, दांतों का कमज़ोर होना, दांतों का हिलना, दांतों का कमज़ोर होकर टूटना, यह सब विटामिन सी की वजह से ही होता है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियां लगने लगती हैं। मन चिड़चिड़ा होने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, सर दर्द जैसी समस्या बनने लगती है। तो विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं। अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो जान लीजिए कि आपके शरीर में विटामिन सी की कमी होने लगी है। विटामिन सी की टैबलेट खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होती है, जिससे हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आसानी से अपना प्रभाव नहीं कर पाता है। विटामिन सी कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में भी सहायता प्रदान करती है। कैंसर में चल रही दवाइयों के साथ यह टैबलेट इसलिए दी जाती है, क्योंकि दवाइयों के कार्य को यह बढ़ाती है। विटामिन सी टैबलेट जन्म से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के लिए 40 mg, 6 महीने से 12 महीने तक के बच्चे के लिए 50 mg, 1 साल से 3 साल के बच्चे के लिए 15 mg, 4 साल से 8 साल के बच्चे के लिए 25 mg और 9 साल से 13 साल के बच्चे के लिए 45 mg और 14 साल से 18 साल के बच्चे के लिए 75 mg और 18 साल से बड़े व्यक्ति के लिए 90 mg विटामिन सी प्रतिदिन लेना जरूरी है। जब हमें डेली रूटीन की डाइट से विटामिन सी प्रॉपर नहीं मिल पाता है, तब विटामिन सी की हमारे शरीर में कमी होने लगती है, जिससे कि हमको विटामिन सी यानी लिम्फी टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ती है। लिम्फी टैबलेट में 500 mg विटामिन सी पड़ा होता है, जो कि हमारी डेली रूटीन की डाइट से काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यह विटामिन पानी में घुलनशील होता है, जो कि हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। इसकी ज़्यादा मात्रा होने पर यह हमारे शरीर में यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है, जिससे हमारे शरीर पर इसकी ओवरडोज का कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। इस टैबलेट को आप दिन में एक बार कभी भी ले सकते हैं। इस टैबलेट को आप चबाकर खा सकते हैं। अगर आप नेचुरल सोर्स से विटामिन सी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप नींबू, आंवला, संतरा, बाकी हरे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, क्योंकि इन सब में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसका सेवन करने से हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं हमारी इस वीडियो से आपको विटामिन सी और लिम्फी टैबलेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी, जो आपके लिए हेल्पफुल है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमसे कोई भी प्रॉब्लम की जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।